हाय दोस्तों दोस्तों मैं आज फिर एक नया वीडियो लेके उपस्थित हूँ आप लोग के सामने। आज दोस्तों मैं मड़ियाहों में हूँ, जो कि जौनपुर मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर ये है। ये मड़ियाहों तहसील है। मड़ियाहों में जितनी भी तहसीलें हैं, मुख्यालय से सबसे नज़दीक तहसील यही तहसील है। और ये हमारे अजीज मित्र हैं, और आज मेरा वीडियो इन्हीं के साथ रहेगा, जो कि ये मड़ियाहों के निकट ही रहते हैं। 2-3 किलोमीटर के आसपास इनका घर है, तो मैं इनके साथ आया हूँ और इनके साथ मैं पूरे मड़ियाहों को एक्सप्लोर करूँगा, एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। और आप वीडियो में बने रहिए और आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम लोग अब मड़ियाहों रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं और इसको हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, बताते हैं आपको। मुंबई जाने के लिए ट्रेन भी आ गई है, चलिए हम आपको प्लेटफॉर्म पे दिखाते हैं यहाँ कितनी भीड़ होती है, रोज डेली कितने लोग मुंबई जाने वाले हैं आपको मिलते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं सामने ये मड़ियाहों स्टेशन है छोटा सा, और ये मड़ियाहों स्टेशन है जो कि बाहर का एंट्रेंस है, और देख पा रहे हैं इसके बगल में ये बगल में एक मंदिर, एक हनुमान जी का मंदिर भी है देख पा रहे हैं इधर, और इधर एक साइड में कुआं भी है जो कि बाहर ही है देख पा रहे हैं। ये बहुत पुराना कुआं है, और आई थोड़ा पास से दिखाते हैं उनको, और इसको देख रहे हैं रेलवे ने इसको ढकवा दिया है, ऊपर से इतना अच्छी तरीके से इस पर डिज़ाइन करवाया है करकट। और इसमें आपको दिखाते हैं, इसमें आप लोग देख पा रहे हैं इसमें पानी तो है लेकिन देख पा रहे हैं आप लोग एकदम इसमें कचरा भरा हुआ है सब, इसमें बिस्लेरी माजा वगैरह सारी चीज़ें हैं। और दोस्तों देख रहे हैं कुएं की तरफ बगल में भी है, बगल में इसे ढक दिया गया है, शायद ये कुआं ही है। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल इसका यूज़ अब नहीं होता है क्योंकि अब कोई कुएं का पानी पीता नहीं है। तो दोस्तों हम लोग प्लेटफॉर्म के अंदर जा रहे हैं और ट्रेन आने वाली है, देख पा ट्रेन जस्ट आ ही गई है, और दिखाते हैं आपको। ये देखिए एक ट्रेन आ चुकी है, और ये देखिए ट्रेन आ चुकी है, और इधर इतनी भीड़ है, काफ़ी भीड़ है देख पा रहे हैं आप लोग। और ये ट्रेन कहाँ पर जाएगी? ये हाँ लोकमान तिलक है जो है सीधे मुंबई जाएगी, गोदान एक्सप्रेस। और देख रहे हैं ट्रेन में बैठने के लिए इतनी काफ़ी भीड़ है, और ये ट्रेन भी काफ़ी लंबी है आप लोग देख पा रहे हैं। पूरी भीड़ आएगी। तो दोस्तों हम लोग ये फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर पे हम लोग चढ़ रहे हैं, यहाँ से आपको दिखाते हैं कि कितनी भीड़ है। तो दोस्तों देखिए इस साइड का देखिए कितनी भीड़ है बैठने के लिए, और इधर सामने देखिए कितनी भीड़ है। ये सारे यात्रीगण मुंबई जाने के लिए एकदम तैयार हैं, देख रहे हैं भगदड़ मच चुकी है, और डेली का यही हाल है देख पा रहे हैं आप, उधर कितनी सारी भीड़ है। और इसमें से उतरने वाले तो ना के बराबर हैं, सारे बैठेंगे इसमें, देख पा रहे हैं किस हिसाब से गेट पे। और ये सामने आप देख लीजिए, इधर पीछे देख लीजिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों मड़ियाहों स्टेशन का प्रतीक्षालय है, जो कि देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके का बना हुआ है। ये पूरा सीमेंटेड है, इसमें लोहे का चेयर नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे यात्री अपने ट्रेन का इंतजार करते हैं। और दोस्तों देखिए यही मंदिर है जो आपको हम पहले दिखा चुके हैं, ये हनुमान जी मंदिर है देख पा रहे हैं आप लोग, इस तरीके का कुछ है, छोटा सा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, ऊपर सोलर लाइट वगैरह लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये जो है रेलवे के परिसर में ही बना हुआ है, आइए स्टेशन दोस्तों देखिए ये स्टेशन है, और स्टेशन से इधर बगल में ही गेट के सामने मड़ियाहों पीजी कॉलेज है, और काफ़ी पुराना स्कूल है जो है यहाँ पे, इसमें बीटीसी भी है देख पा रहे हैं आप लोग, ये वहाँ से स्टार्ट है ये जो है, और अंदर देख पा रहे होंगे सीधे आप, 3-4 फ्लोर है।
और दिखा पा रहे हैं आपको हम। अंदर चलें क्या हम लोग? तो आप लोग अंदर देख पा रहे हैं, इसमें जो है कि इसमें बीएड भी है, इसमें बीएड भी है, बीटीसी भी है। आप लोग बिल्डिंग देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके का है, काफ़ी बड़ा ये है जो है। ठीक है दोस्तों, ये मड़ियाओं रेलवे स्टेशन के बगल में ही है। तो दोस्तों उसी के जस्ट बगल में देखिए बीएनबी इंटर कॉलेज है ये। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों। ये मड़ियाहू का मार्केट है, वन इंडिया फैमिली मार्ट है, देख पा रहे हैं। ये बड़े बड़े शहरों में है और मड़ियाहू इतना डेवलप है कि देखिए मड़ियाहू में भी ये खुल गया है। ठीक है दोस्तों, और अब हम लोग चलते हैं सीधे पास करिए। तो दोस्तों अब हम लोग मेन रोड पे जा रहे हैं। ठीक है, और रेलवे क्रॉसिंग है। रेलवे क्रॉसिंग जैसे ही हम लोग डाकेंगे साइड में जो है कि यहाँ का तहसील है और उसके बगल में स्टेट बैंक है। तो हम लोग आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको।